हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब फ्रेंड, टू व्हीलर और फोर व्हीलर की वॉशिंग तो आपने काफ़ी टाइम देखे होंगे और आप खुद भी करते होंगे। तो फ्रेंड, कभी आपने ऐसा देखे है लाइक आपकी जो पैसेंजर ट्रेन्स होती है और आपकी मालगाड़ी होती है वो किस तरह से वॉश होती है? लाइक आपको कभी ये पता है कि ये व्हीकल्स जो होती है इतनी बड़ी इतनी लेंदी व्हीकल्स जो होती है, जो पैसेंजर ट्रेन्स होती है उसे किस तरह से वॉश किया जाता है? क्या बकेट में पानी लेके वॉश किया जाता है या सिर्फ पाइप से पानी मार दिया जाता है, क्या होता है? तो ये बहुत से लोग मैक्सिमम लोगों को आज तक नहीं पता होगा, बट आज का वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो के अंदर कि ट्रेन वॉश किस तरह से होती है। ये काफ़ी यूनिक टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और आपको काफी ज्यादा नॉलेज भी मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में सारा, और वो भी इस वीडियो के अंदर आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं मैं, सारा प्रैक्टिकल वीडियो इसके अंदर आपको मिलने वाला है, सारी रियल फुटेज आपको मिलने वाली है कि किस तरह से वॉशिंग होती है। सारे क्लिप्स है मेरे पास, वो सब इस वीडियो के अंदर आपको मैं शेयर करने वाला हूं और पूरा प्रॉपर वे में आपको बताऊंगा। सो फ्रेंड, मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दिस इज अमान एंड यू आर वॉचिंग मैकेनिकल अमान ऑफिशियल। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ट्रेन होती है उसे ना तो कोई बकेट में पानी लेके वॉश किया जाता है, ना तो कोई पाइप से उसके ऊपर पानी मार दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेन्स को वॉश करने के लिए ऑटोमेटिक वॉशिंग सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे ट्रेन्स जो होती है वो क्लीन होती है। किस तरह से होती है चलिए आप क्लिप में देखते हैं और सारी चीज़ें आपको इन डिटेल में बताता हूँ। इस तरह से जो ट्रेन होती है वो वॉश होती है। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि लाइक कोई बकेट में पानी लेके वॉश किया जाता है या फिर कोई स्प्रे किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑटोमेटिक वॉशिंग सेंटर, अगर हम पाइप से भी लेके ट्रेन को धोए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा मैन पावर लगेंगे और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो और क्लीनिंग भी उतनी अच्छे से नहीं हो पाएंगी। इस वजह से ऑटोमेटिक वॉशिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पे ट्रेन्स क्लीन होती है। बट आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन डिटेल में समझ भी गया होगा कि आखिर ट्रेन और मालगाड़ी जो होती है, पैसेंजर ट्रेन होती है या फिर मालगाड़ी जो होती है, वो किस तरह से वॉश होती है प्रॉपर। सो फ्रेंड, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।